Good afternoon, everyone. Welcome to BankerSADDA. My name is Sumit. Today we are going to discuss reasoning quiz for IBPS exam 2019, 18 February. So today is day 27 of current IBPS 2019 for the. So the topic for today's quiz is coded inequality. So now move to question number first. Direction 1 to 5. In the following question, symbols L at the rate and ampersand dollar and hash are used with the following meaning as illustrated below. P and Q. Isme hume given hai P and Q means P is neither greater than नॉट इक्वल टू क्यू. अगर ना तो बड़ा है ना इक्वल है तो वो लेस देन होगा. तो एंड का जो हमारा मीनिंग आ जाएगा वो लेस देन का आ जाएगा. एंड उसके बाद हमें गिवन है पी हैश क्यू. पी हैश क्यू मीन्स पी इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर. तो अगर ग्रेटर और स्मॉलर नहीं है तो वो इक्वल होगा. देन पी डॉलर क्यू. पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू. नॉट ग्रेटर देन क्यू मीन्स लेस देन इक्वल टू. तो डॉलर का मीन हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू. देन हमें गिवन है पी एम्परसेंट क्यू. पी एम्परसेंट क्यू मीन्स पी इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू. यानी एम्परसेंट का इसका मीनिंग हो जाएगा ग्रेटर देन. देन हमारा एक सिंबल बचा एट द रेट. उसका हमारा मीनिंग होगा ग्रेटर देन इक्वल टू. पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू. तो मीन्स पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू. नाउ मूव टू द क्वेश्चन. Now, in each of the following question, assuming the given statements to be true, find which of the three conclusions follow and give answer accordingly. So, जैसे कि जो हमारे first statement given है question number first में, उसमें हमें given है R at the rate V. R at the rate V means R is greater than equal to V. V dollar J. V dollar J means V is less than equal to J. And J and K means J लेस देन के. तो जो अब हमारे को इसमें कंक्लूजन गिवन है उसके भी हम सिंबल का देखते हैं. के एम परसेंट आर मीन्स इसमें हमारे से पूछा के इज वेदर के इज ग्रेटर देन आर और नॉट. जे एट द रेट आर. जे एट द रेट आर मीन्स जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर. एंड इन थर्ड कंक्लूजन के एम परसेंट वी. के इज ग्रेटर देन वी. तो अब हमने डिकोड तो कर लिया है. अब देखते हैं कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है. तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है के ग्रेटर देन आर. तो K और R के बीच में हमारे अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा. देन J ग्रेटर देन इक्वल टू R. तो J और R के बीच में भी अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये भी हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा. एंड द लास्ट कंक्लूजन इज K ग्रेटर देन V. K ग्रेटर देन J एंड J इज ग्रेटर देन इक्वल टू V. तो जो K है K के बीच में सेम साइड का सिंबल आ रहा है और उसमें ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है तो K ग्रेटर देन V फॉलो करेगा. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि जो हमने डिकोड करे हैं कोड्स इसको हम कॉपी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ऐसे ही हमारे सेकंड क्वेश्चन में होगा. जो सेकंड क्वेश्चन में हमारे को स्टेटमेंट गिवन है तो अगर हम उसे डिकोड करें तो डी एम परसेंट एच. डी एम परसेंट एच मीन्स डी इज ग्रेटर देन एच. एच एट द रेट वी मीन्स एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी. एंड वी डॉलर डब्ल्यू. वी डॉलर डब्ल्यू मीन्स वी इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू. देन जो हमारे कंक्लूजन में सिंबल का यूज हुआ है एम परसेंट. अगर एम परसेंट का हम डिकोड देखें तो एम परसेंट हमारा ग्रेटर. तो फर्स्ट कंक्लूजन में हमारे पूछा है एच इज ग्रेटर देन डब्ल्यू. अगर हम देखें जो हमारी स्टेटमेंट है तो एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एंड वी इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू. तो दोनों में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो कंक्लूजन वन हमारा फॉल्स होगा. नाउ मूव टू कंक्लूजन सेकंड. डी इज डी एम परसेंट वी मीन्स डी इज ग्रेटर देन वी. डी और वी की बात करें तो डी इज ग्रेटर देन एच एंड एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी. तो सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा. नाउ मूव टू द थर्ड कंक्लूजन. डी ग्रेटर देन डब्ल्यू. तो
अगर हम देखें डी और डब्ल्यू के बीच में हमारे अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो उसमें खाली हमारा होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है एम डॉलर टी। एम डॉलर टी मीन्स एम इज लेस देन इक्वल टू टी एंड टी एंड जे। टी एंड जे मीन्स टी इज लेस देन जे एंड जे हैश एन, जे इज इक्वल टू एन। जो हमारा उसका कंक्लूजन पूछा उसमें पूछा एन इज एन एम परसेंट एम मीन्स एम इज ग्रेटर देन एम। अगर देखें एन और एम के बीच में तो एन इक्वल टू जे, जे ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो ट्रू होगा। नाउ द सेकंड, जे एम परसेंट एम, तो जे इज ग्रेटर देन एम। अगर हम जे और एम का देखें तो जे इज ग्रेटर देन टी है एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो है। नाउ द थर्ड वन, एम डॉलर एन, ये मीन्स एम इज लेस देन इक्वल टू एन। तो एम इज लेस देन इक्वल टू टी बट टी इज लेस देन जे एंड जे इक्वल टू एन, तो जो एम होगा वो लेस देन एन होगा, तो हमारा थर्ड कंक्लूजन इसमें फॉल्स होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमारी स्टेटमेंट है n$r means n is less than equal to r and r hash d. r hash d means r equal to d and d and k. d and k means d is less than k. तो अब देखते हैं जो हमारे कंक्लूजन है, कंक्लूजन में हमारे से फर्स्ट में पूछा है k m percent r means k is greater than r, तो k और r के बीच में हम रिलेशन देखें तो k greater than d and d equal to r है, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा। नाउ सेकंड वन, d is greater than n, तो d है d equal to r और r is greater than equal to n, तो d greater than equal to n है, तो हमारा सेकंड तो फॉल्स होगा, थर्ड हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे से स्टेटमेंट को पहले डिकोड कर लेते हैं एफ हैश के। एफ हैश के मीन्स एफ इज इक्वल टू के, के एम परसेंट एम मीन्स के इज ग्रेटर देन एम एंड एम हैश टी मीन्स एम इज इक्वल टू टी। देन जो हमारा इसमें कंक्लूजन पूछे वो है टी एंड के। टी एंड के मीन्स टी एंड के का हमारा मीनिंग है टी इज लेस देन के। एफ एम परसेंट एम मीन एफ इज ग्रेटर देन एम एंड टी एंड के मीन्स टी लेस देन एफ। तो टी जो फर्स्ट कंक्लूजन है टी लेस देन के, अगर हम इसे देखें तो t equal to m and m is less than k, तो ये हमारा first follow करेगा। Now second one, f is greater than m, तो f equal to k है, k is greater than m है, तो हमारा second conclusion भी follow करेगा। और अगर third की बात करें तो t less than f, t is equal to m, m is less than k, k is equal to f, तो हमारा third conclusion भी valid होगा। तो जो इसका right answer होगा वो होगा option e, all are true, that is option e. So now move to the next question. तो जैसे कि आप सबको बताया, अगर आप अपने बैंकिंग प्रिपरेशन की सोच रहे हो या कर रहे हो, तो आपके लिए अगर कोई भी टेस्ट सीरीज जो बेस्ट है वो हमारे अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज है। और अभी हमारा आज के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 25% डिस्काउंट है ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, जिसका हमारा कूपन कोड है एग्जाम 25। अगर आपको किसी को भी अगर कोई हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो तो आप ये कोड लगा सकते हैं आज के लिए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन 6-10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल्स एट द रेट एंड एम परसेंट डॉलर एंड हैश आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम इसे जो हमारे सिंबल्स है इन्हें डिकोड कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है जैसे
P at the rate Q. P at the rate Q means P is not smaller than Q. अगर smaller than नहीं होगा तो P greater than equal to होगा. तो at the rate का means हो गया greater than equal to. Now P and Q. P and Q means P is neither greater nor equal. तो and का हमारा meaning हो जाएगा P is less than Q. P hash Q. P hash Q means P is neither greater than nor smaller than. तो P hash जो हमारा हैश का कोड हैश का मींस होगा वो होगा इक्वल टू. नाउ पी डॉलर क्यू. पी डॉलर क्यू मींस पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू. तो डॉलर का जो हमारा मींस मीनिंग आ जाएगा वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू का. पी एम्परसेंट क्यू. पी इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू क्यू. अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू नहीं है तो वो ग्रेटर देन होगा. तो अब देखते हैं जो हमारे को इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसमें एक स्टेटमेंट गिवन है उसके बाद दो कंक्लूजन हमें गिवन है. हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है कौन सा नहीं करता. तो जो कि हमारा जो स्टेटमेंट है अगर हम देखें इसे डिकोड करें तो ए एम परसेंट बी. ए इज ग्रेटर देन बी. बी हैश सी मीन्स बी इक्वल टू सी. सी एम परसेंट डी मीन्स सी इज ग्रेटर देन डी. डी डॉलर ई. डी डॉलर ई मीन्स डी इज लेस देन इक्वल टू ई. देन हमें इसमें गिवन है जी एट द रेट एफ एंड एफ एम परसेंट बी मीन्स एफ इज ग्रेटर देन बी एंड जी एट द रेट एफ. जी एट द रेट एफ मीन्स जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ. तो जैसे कि जो अब हमारा स्टेटमेंट डिकोड हो गया अब हम देखें जो हमारे कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन फर्स्ट में हमारे से पूछा है जी एट द रेट ए. जी एट द रेट ए मीन्स जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए. And A and G. A and G means A is less than G. तो अगर हम देखें तो जो हमारा first conclusion G greater than equal to A. तो जो हमारा final statement decode हुई है उसमें अगर देखें तो G is greater than F. F is greater than B. और B is less than A. तो हमारे opposite sign आ रहे हैं. तो कोई certain relation तो है नहीं इसमें कोई. और अगर हम दोनों की बात करें जो हमारा कंक्लूजन सेकंड है तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा और जो हमारा कंक्लूजन सेकंड है वो भी हमारा फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसमें हमारे को इसमें गिवन है ए इज लेस देन जी. तो हमारे जो दोनों में कोई सर्टेन रिलेशन तो आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट साइन है हमारे. तो और अगर हम गौर करें तो इन दोनों के बीच में हमारा इधर और का केस भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ए इज लेस देन इक्वल टू जी है एंड ए इज लेस देन जी है. तो हमारे तीनों सिंबल आने चाहिए इधर और केस के लिए. तो हमारा इसमें इधर और केस भी नहीं लगेगा. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन में स्टेटमेंट गिवन है पहले अब इसे डिकोड कर लेते हैं. R M percent T. R M percent T means R is greater than T. T at the rate J. T is greater than equal to J. J is greater than A. A dollar S means A is less than equal to S. S equal to H. Then हमें given है I M percent T means I is greater than T. Then जो conclusion first है उसमें हमारे से पूछा है H hash A means H equal to A. तो जो हमारा H है जो A A less than equal to H है तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा. और अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो H M percent A means H is greater than A. तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है ये भी फॉल्स होगा क्योंकि जो H है वो greater than equal to A है. इसमें हमारा इधर और का केस लग सकता है क्योंकि जो हमारा दोनों कंक्लूजन है फर्स्ट में पूछा हमारा H is equal to A एंड सेकंड में H is greater than A. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू इज ट्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट में हमारे को स्टेटमेंट गिवन है सी एट द रेट ए. सी एट द रेट ए मीन्स सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए. ए एम परसेंट आर मीन्स ए इज ग्रेटर देन आर. आर एंड पी. R and P means R is less than P and P at the rate W. P is greater than equal to W.
देन हमें सेकंड स्टेटमेंट एक गिवन है, ए एट द रेट एन मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड एन हैश टी मीन्स एन जो है वो इक्वल टू टी है. तो ये हमारा फाइनल इसमें स्टेटमेंट डिकोड हो गया. अब देखे कॉन्क्लूजन की बात करें तो कॉन्क्लूजन फर्स्ट में वहां से पूछा है टी डॉलर सी. टी डॉलर सी मीन्स टी इज लेस देन इक्वल टू सी एंड टी एंड पी मीन्स टी इज लेस देन पी. तो फर्स्ट कॉन्क्लूजन में हमारे पूछा टी लेस देन इक्वल टू सी. तो टी जो है वो इक्वल टू एन है, एन इज लेस देन इक्वल टू ए एंड ए इज लेस देन इक्वल टू सी. तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्क्लूजन है वो ट्रू होगा. तो जो अब देखते हैं सेकंड कंक्लूजन को. तो सेकंड कंक्लूजन में हमसे पूछा था टी इज लेस देन पी. तो टी हमारा लेस देन इक्वल टू ए और जो ए है वो ग्रेटर देन आर है एंड आर इज लेस देन पी. तो अपोजिट सिंबल्स आ रहे हैं हमारे दोनों वेरिएबल के बीच में. तो ये हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट को सबसे पहले डिकोड करते हैं. स्टेटमेंट में हमें गिवन है पी एम परसेंट टी मीन्स पी इज ग्रेटर देन टी, टी हैश डी मीन्स टी इज इक्वल टू डी, टी डॉलर एच मीन्स डी इज लेस देन इक्वल टू एच, एच एट द रेट एस मीन्स एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस. देन हमें एक स्टेटमेंट गिवन है एच एम परसेंट एन मीन्स एच इज ग्रेटर देन एन. तो जो एच है वो ग्रेटर देन एन है एंड टी हैश जी मीन्स टी इक्वल टू जी एंड एच एंड एम मीन्स एच इज लेस देन एम. देन हमें इसमें कंक्लूजन फर्स्ट गिवन है कि जी एंड एम मीन्स जी इज लेस देन एम. अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो जो जी है, जी हमारा जी और एम के बीच में अगर हम बात करें तो जी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू डी, डी इज लेस देन इक्वल टू एच एंड एच इज लेस देन एम. तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो वैलिड है, वो ट्रू है हमारा. देन जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है उसमें हमारे पूछा पी एम परसेंट जी मीन्स पी इज ग्रेटर देन जी. तो अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो जो पी है, पी और जी के बीच में सिंगल सिंबल है, पी इज ग्रेटर देन टी एंड टी इक्वल टू जी. तो जो सेकंड कंक्लूजन है ये भी हमारा ट्रू होगा. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें स्टेटमेंट गिवन है एन एट द रेट वी. एन एट द रेट वी का मीनिंग है हमारा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, v dollar r means v is less than equal to r, r equal to m, m m percent i means m is greater than i, i hash k means i equal to k. Then f and m means f is less than m, जो कि f है वो less than m है and v m percent c, v is greater than c, v is greater than c एंड आर इज ग्रेटर देन डी. जो आर है वो ग्रेटर देन डी है. अगर अब बात करें कंक्लूजन की तो कंक्लूजन फर्स्ट में हमारे से पूछा है एन हैश सी मीन्स एन इज इक्वल टू सी एंड डी एम परसेंट एफ, डी इज ग्रेटर देन एफ. तो अगर कंक्लूजन फर्स्ट की बात करें तो एन इक्वल टू सी पूछा हमारे से, जबकि जो एन है वो ग्रेटर देन सी है. तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स होगा. अब बात करते सेकेंड कंक्लूजन की, डी ग्रेटर देन एफ. तो जो हमारे डी है, डी लेस देन आर है, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डी हर एक से लेस देन है. तो जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है ये भी फॉल्स होगा. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू इज ट्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन 11 to 15. तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ही था कोडेड इनक्वालिटी का, तो ये भी हमारे क्वेश्चन कोडेड इनक्वालिटी बेस्ड है. इसमें भी हमारे को पांच सिंबल गिवन है, कॉपीराइट एट द रेट डॉलर एम परसेंट एंड स्टार आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग. अगर देखें आप इसे डिकोड करें तो इसमें जो हमारा
पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू का हमारा इसमें मीनिंग है पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू। अगर पी ग्रेटर देन क्यू नहीं है तो पी लेस देन इक्वल टू क्यू होगा, तो एट द रेट का मीन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू पी एम परसेंट क्यू। मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, दैट मीन्स पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। नाउ पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। तो अगर ना तो छोटा होगा ना बराबर होगा तो वो बड़ा ही होगा क्यू से, तो जो स्टार है उसका हमारा मीनिंग आ जाएगा ग्रेटर देन। देन हमें गिवन है पी कॉपी राइट क्यू, मीन्स पी इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो वो लेस देन होगा। देन हमारा लास्ट सिंबल बचा डॉलर का, तो डॉलर का जो हमारा मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें हमारे से बोला हुआ है इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय कंक्लूजन, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलो और नॉट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। सो अगर हमारा खाली कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू होगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अगर सेकेंड ट्रू होगा तो बी राइट आंसर होगा, अगर इधर और का केस होगा तो सी होगा, अगर दोनों ट्रू हो गए तो डी होगा, अगर एक भी फॉलो नहीं करेगा तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें स्टेटमेंट गिवन है डी स्टार ए, डी स्टार ए मीन्स डी इज ग्रेटर देन ए। देन अगर हम देखें तो इसमें एक हमें और है डी स्टार बी, मीन्स डी इज ग्रेटर देन बी। देन हमें गिवन है सी कॉपीराइट बी, सी कॉपीराइट बी का मीनिंग है इसमें सी इज लेस देन बी, यानी जो बी है वो ग्रेटर देन सी होगा। देन हमें स्टेटमेंट गिवन है एफ डॉलर ई, एफ डॉलर ई मीन्स एफ इक्वल टू ई एंड ई एट द रेट बी, मीन्स ई इज लेस देन इक्वल टू बी। तो जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ई हो जाएगा एंड ई इक्वल टू एफ हो जाएगा। अगर हम कंक्लूजन फर्स्ट की बात करें तो उसमें हमारे से पूछा है ई स्टार ए, ई स्टार ए मीन्स ई इज ग्रेटर देन ए एंड ए एम परसेंट एफ कंक्लूजन सेकंड, जिसमें मीन हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। तो अगर फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें तो ई इज ग्रेटर देन ए, तो जो हमारी स्टेटमेंट आई थी डिकोड होने के बाद उसमें हमें साफ दिख रहा है कि जो ई है E और A के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल है, तो जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट होगा वो फॉल्स होगा। और जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो है A इज ग्रेटर देन F पूछा है हमारे से, तो जो A है A लेस देन है D और D हमारा ग्रेटर देन है, तो A और F के बीच में भी हमारा कोई रिलेशन नहीं निकल सकता, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। तो जो 11th का राइट आंसर होगा वो होगा इलेवेंथ का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई। तो एक बार इसके दोबारा स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट में हमारे को गिवन था डी स्टार ए मीन्स डी इज ग्रेटर देन ए एंड एफ डॉलर ई मीन्स एफ इक्वल टू F dollar E means F equal to E. Then हमें given है E at the rate B means E is less than equal to B. जो E है वो less than equal to B है. And D star B means D is greater than B. And C copyright B means C is less than B. तो जो option E है neither conclusion 1 nor conclusion 2 is true. तो option E इसका right answer होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट हम उसे डिकोड करेंगे। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वो है ए स्टार जेड मीन्स ए इज ग्रेटर देन जेड एंड जेड कॉपीराइट बी मीन्स जो जेड है वो लेस देन बी है एंड बी एम परसेंट सी मीन्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। C star X means C is greater than X and X copyright D means X is less than D.
तो अब बात करें कंक्लूजन की. कंक्लूजन फर्स्ट में हमसे पूछा है बी कॉपीराइट एक्स मींस बी इज लेस देन एक्स. तो बी अगर हम देखें तो बी और एक्स के बीच में जो हमारा बी है बी ग्रेटर एक्स है क्योंकि बी एम परसेंट सी है. बी एम परसेंट सी का मीनिंग है हमारा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड सी स्टार एक्स मीन्स सी इज ग्रेटर देन एक्स. तो जो हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन है ये हमारा फॉल्स होगा. और अगर सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो उसमें वहां से पूछा है बी एम परसेंट एक्स मीन्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी फॉल्स होगा क्योंकि जो बी है जो इसका रिलेशन आया है बी ग्रेटर देन एक्स आया. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई नीदर कंक्लूजन वन नो सेकंड इज ट्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें स्टेटमेंट गिवन है तो जो इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो इसे हम पहले डिकोड कर लेते हैं कंबाइन कर लेते हैं स्टेटमेंट को. तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमें गिवन है ए स्टार बी. अगर हम कोई बड़ी स्टेटमेंट देखें तो हमें दिख रहा है डी कॉपीराइट ई. ए स्टार बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी एट द रेट बी. सी एट द रेट बी मीन्स सी इज लेस देन इक्वल टू बी. देन हमें गिवन है डी कॉपीराइट ई. डी कॉपीराइट ई मीन्स डी इज लेस देन ई. ई डॉलर बी मीन्स ई इक्वल टू बी एंड ई कॉपीराइट एफ मीन्स ई इज लेस देन एफ. जी एट द रेट बी. जी इज लेस देन इक्वल टू बी. अब इसे हम कंबाइन करें तो जो हमारी स्टेटमेंट जो डी है डी लेस देन ई है ई इक्वल टू बी. और बी की अगर बात करें तो जो बी है वो बी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जी है. एंड जो ई है ई लेस देन एफ है तो ई हमारा लेस देन एफ हो जाएगा. ई लेस देन एफ हो जाएगा. देन हमें गिवन है इसमें सी लेस देन इक्वल टू बी. तो जो हमारा सी है वो लेस देन इक्वल टू बी है एंड जो ए है वो ग्रेटर देन बी है. तो ए हमारा इसमें ग्रेटर देन बी हो जाएगा. तो इसमें हमारे से जो फाइनल स्टेटमेंट है वो आगे डिकोड होके अब इसमें हमारे से कंक्लूजन फर्स्ट पूछा है जी स्टार जी सी स्टार जी. सी स्टार जी मीन्स सी इज ग्रेटर देन जी एंड सी कॉपीराइट जी मीन्स सी इज लेस देन जी. तो अगर कंक्लूजन फर्स्ट की बात करें सी ग्रेटर देन जी की तो जो हमारा स्टेटमेंट आई है डिकोड होके तो उसमें हमें गिवन है जो सी है वो लेस देन इक्वल टू बी है. तो अगर सी किसी से बड़ा है ही नहीं तो जो हमारे कंक्लूजन फर्स्ट है वो फॉल्स हो जाएगा. और जो सेकंड कंक्लूजन है सी लेस देन जी तो जो सी है सी और जी के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये हमारा ये भी कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू इज ट्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 14 उसमें भी हमारे को स्टेटमेंट गिवन है एक्स स्टार वाई. एक्स स्टार वाई मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई. वाई एम परसेंट जेड. वाई एम परसेंट जेड मीन्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड. जेड डॉलर एम मीन्स जेड इक्वल टू एम. एम इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी. तो जो हमारा स्टेटमेंट डिकोड होगी अब देखते कंक्लूजन. कंक्लूजन फर्स्ट में वहां से पूछा एक्स स्टार ए मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ए. तो अगर हम बात करें तो जो एक्स है एक्स और ए के बीच में सेम साइड का सिंबल है और ग्रेटर देन का सिंबल बीच में आ रहा है तो ये जो हमारा कंक्लूजन है वो ट्रू होगा. नाउ मूव टू कंक्लूजन सेकंड. वाई एम परसेंट एम मीन्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. तो जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है अगर स्टेटमेंट में देखें तो जो वाई है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है एंड जेड इक्वल टू एम है. तो हमारा सेकंड कंक्लूजन भी इसमें ट्रू है. तो जो इसका राइट आंसर होगा 14 का वो होगा ऑप्शन डी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे को स्टेटमेंट गिवन है
पी कॉपीराइट क्यू मींस कॉपीराइट का जो मीन है वो है लेस देन, तो पी लेस देन क्यू हो जाएगा, क्यू स्टार आर मींस क्यू इज ग्रेटर देन आर, आर डॉलर जेड, आर इक्वल टू जेड, जेड स्टार एस मींस जेड इज ग्रेटर देन एस, एस एट द रेट एक्स, एस इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड एक्स कॉपीराइट टी मींस एस इज लेस देन टी। तो अगर आप कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन फर्स्ट में वहां से पूछा है टी स्टार जेड, टी स्टार जेड मींस टी इज ग्रेटर देन जेड। तो अगर इसके हम अगर स्टेटमेंट में देखें तो टी और जेड के बीच में हमारे अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो जो हमारा कंक्लूजन वन है वो फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं कंक्लूजन टू, आर एट द रेट टी, आर एट द रेट टी मींस आर इज लेस देन इक्वल टू टी। तो अगर आर लेस देन इक्वल टू टी देखें हम स्टेटमेंट में, तो आर और टी के बीच में भी अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन भी फॉल्स हो जाएगा। और जो आर है, जो आर है वो इक्वल टू जेड है, तो आर की जगह अगर हम जेड लिखें तो जेड इसमें लेस देन इक्वल टू टी हो जाएगा, और जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था वो था जेड लेस देन टी, तो इसमें भी दोनों ही हमारे इधर और का केस नहीं लगेगा, दोनों तीनों सिंबल हमारे आ नहीं पा रहे, जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो नहीं आया, जेड लेस देन इक्वल टू टी आया और जेड लेस देन टी आया, तो इसमें इधर और का केस भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ई नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डे 27 ऑफ आईबीपीएस एग्जाम 2019, जो हमारी सीरीज चल रही है अड्डा 247 पे। आज का जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज क्विज है दैट इज बेस्ड ऑन सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो हमारा क्विज है दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे है ये क्विज, ये तो बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो प्री और मेंस में क्लर्क और पीओ के एग्जाम, चाहे आरआरबी हो या आईबीपीएस एग्जाम हो, आता है, ये नॉर्मल पैटर्न है, काफी बैंकिंग एग्जाम्स में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्विज से। Directions 1 to 15. Which of the following phrases given below each sentence should replace the phrase printed in bold letters to make the sentence meaningfully correct? Choose the best option among the five given alternatives that reflect the correct use of phrase in the context of the grammatically correct sentence. If the sentence is correct as it is, mark no error as your answer. Question number one, several instances of toxic alcohol poisoning in India, including the Malwani Hook tragedy in Mumbai in 2015 that killed 106 people, have been attributed for the lack of affordable liquor for the poor. So have been attributed for the lack of एट्रीब्यूटेड के साथ कभी भी फॉर नहीं आता है, ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से एट्रीब्यूटेड के साथ हमेशा टू आता है। पहली चीज, एट्रीब्यूट, हम किसी भी चीज के साथ एट्रीब्यूट टू करते हैं उसको, फॉर नहीं करते। स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से वी एट्रीब्यूट टू, तो हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ, ये सही है। इसका आंसर है ए, पहला आंसर ही सही है, हैव बीन एट्रीब्यूट टू द लैक ऑफ नहीं, क्योंकि पास्ट में हो रहा है सेंटेंस तो एट्रीब्यूट नहीं आएगा, एट्रीब्यूटेड सही होगा। हैव बीन एट्रीब्यूट टू द लैकिंग ऑफ, लैकिंग ऑफ नहीं होगा क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैज बीन नहीं होगा क्योंकि सेवरल इंस्टेंसेस है, प्लूरल फॉर्म है तो हैव आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर है इसका ए। Question number two. Toxicity often comes from drinking methanol, which
resulting in blindness, tissue damage और death. तो यहाँ एक चीज है और resulting है, तो एक fact है ये. तो ये simple past में है, simple tense में है ये sentence, simple present में है sentence ये. तो हमें sentence में resulting नहीं बोलेंगे क्योंकि simple tense में है, simple present tense में है ये sentence. तो हम यहाँ result या results use करेंगे इधर. तो which results in blindness, क्योंकि एक process है, blind नहीं होगा, blindness होगा क्योंकि एक phenomenon है. तो ये तो सही है. Which results in blind, which results in blindness, who results in blindness नहीं होगा क्योंकि person नहीं है, thing की बात हुई है, whose result in blindness भी नहीं होगा. तो answer is B. Question number 3, the death of more than 100 people of toxic alcohol in Uttar Pradesh and Uttarakhand has exposed the thriving sale of illicit region. Has exposed the thriving sale of, has exposed में, क्योंकि ये past में हो रहा है sentence, has exposed, तो exposed होना चाहिए था क्योंकि ये past में हो रहा है. उसने expose किया है तो exposed आएगा. Has exposing नहीं होगा. Has exposed the thrive sale of, क्योंकि thriving है, continuous में है ये sentence. Has exposed the thriving sale of, क्योंकि continuous में हुआ है sentence. Has exposed the thriving sale of, C सही है यहाँ पर. Answer is C. बाकी सारे options गलत हैं. Answer is C. Despite its ambitious targets, NDA's Make in India has failed to improve investment, employment and exports in India's manufacturing sector. Despite its ambitious target, यहाँ पर जो bold में sent part है, despite its ambitious target, तो यहाँ पर जब हम its लिखते हैं तो difference हमें याद करना है its और its का. Its का meaning होता है जब हम apostrophe लगा देते हैं, तो इसका meaning होता है it is, कि ये ऐसा है. तो यहां पर इट इज जब हम इसको बोलेंगे, ब्रेक करेंगे, तो डिस्पाइट इट्स, इसका मतलब होता है उसका. तो इट इज यहां पर गलत हो जाएगा, ये सही होगा. तो उस हिसाब से इधर ये यूज गलत है. तो डिस्पाइट, पहले तो ये चीज हटेगी, इट्स को हमें इट्स देखना है कहाँ इट्स यूज हुआ है. तो डिस्पाइस इट, डिस्पाइट, बाकी तीनों चीजें सही है तो सीधा हम डी मार्क करेंगे क्योंकि हमें स्टेट दिख रहा है कि हमें इट्स को इट्स ही लिखना है, ये लिखना है. डिस्पाइस, डिस्पाइट इट्स एम्बिशियस टारगेट्स, तो आंसर इज डी. Question number 5, when the Bharatiya Janata Party BJP swept into power in 2014, one of its first acts was to launch the Make in India initiative with the ambitious vow of converting India into a global manufacturing hub. So, yahan hum dekhe, idhar koi bhi problem nahi hai, bilkul sahi hai, bold mein jo bhi phrase hai, sentence ka jo bhi bold mein marked hai, to answer is no error. Answer is E. Question number 6, at a time when the government is subsidizing flights to help the common man fly, a parallel system that makes cancellation and rescheduling a revenue earning tool should be nixing. So yahan par nixing galat hai. Nixing nahi aayega idhar, nixed aayega. क्योंकि ये स्टॉप हो जाना चाहिए नेक्स्ट. यहाँ पर हम नेक्स्ट यूज करेंगे, निक्सिंग नहीं यूज करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस में नहीं आ रहा है ये. ये स्टॉप होना जाना चाहिए, सिंपल फॉर्म में आएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर हम निक्सिंग बोलेंगे तो. ये सिंपल पास्ट में आएगा ये नेक्स्ट,
और रेवेन्यू अर्निंग टूल शुड बी नेक्स्ट. तो आंसर इज ए. सिक्स का इज ए. बाकी सब ठीक है. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर सेवन. एयरलाइंस इन इंडिया चार्जेस मच इज 50% to 90% ऑफ द टोटल टिकट्स कॉस्ट इन कैंसिल एंड रीशेड्यूलिंग चार्जेस. तो यहां हम देखें तो स्ट्रेट हमें गलती दिखेगी कैंसिल में. कैंसिल हम कभी नहीं बोलते इन कैंसिल एंड रीशेड्यूलिंग चार्जेस. कैंसिल इज नॉट अ प्रोसेस. कैंसिलेशन इज अ प्रोसेस. कैंसिलेशन क्योंकि यहाँ पर रीशेड्यूलिंग को एक प्रोसेस बता रहे हैं हम. तो कैंसिल इज नॉट अ प्रोसेस. कैंसिलेशन इज अ प्रोसेस. तो हमें देखना है कहाँ पर कैंसिलेशन एज अ वर्ड यूज किया गया इन कैंसिलेशन एंड रीशेड्यूलिंग चार्जेस. तो यहाँ हम देखें बी में सही यूज किया गया है ये और सी में. तो दोनों में से देखते हैं इन कैंसिलेशन क्योंकि ये चीज सही है. चार्जेस चार्ज नहीं होगा. चार्ज एक टेंस हो जाएगा बट चार्जेस का मतलब होता है फीस. तो आंसर इज बी. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर एट. सम ऑफ यू मे बी सरप्राइज टू नोइंग दैट डिस्पाइट ऑल द नॉइज सराउंडिंग द राफेल एयरक्राफ्ट देयर इज नॉट अ शेड ऑफ एविडेंस येट दैट इट्स परचेज इज अ फाइनेंशियल स्कैम. तो यहां हम देखें टू नोइंग दैट डिस्पाइट ऑल द नॉइज. डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता. पहली चीज हमें ये चीज याद रखनी है कि डिस्पाइट इज के साथ कभी ऑफ नहीं आता. तो आप डी को गलत कर देंगे बिकॉज डी ऑप्शन ही गलत है. बिकॉज डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता. ये ग्रामेटिकल एरर जो कई लोग कर देते हैं. तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा. तो यहां पर सरप्राइज्ड नोइंग. नोइंग नहीं आएगा इधर. टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो टू नोइंग नहीं आएगा. टू नो आएगा. टू नो सी आंसर है. आंसर इज सी. सिटीज आर डिक्लेयर्ड नॉन अटेनमेंट if they consistent fail to meet the national ambient air quality standards NAAQS for PM10 particulate matter that is 10 microns or less in diameter or nitrogen dioxide over a period of 5 years. If they consistently fail to meet. अगर हम यहाँ देखें consistent वर्ड गलत होगा बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस में है. तो ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए था. कंसिस्टेंट फेल टू मीट नहीं होगा क्योंकि कंसिस्टेंटली ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है. तो यहां पर देखें इफ दे कंसिस्टेंटली फेल टू मीट तो इसका आंसर है डी. आंसर इज डी. In India, the media can be influential when it comes to public health issues, especially those that affect the middle classes and above, and air quality is an obvious campaign issue. तो यहाँ हम देखें बिल्कुल सही है. 10 कोई error नहीं है इसमें. Question number 10 का answer है E. Question number 11. Tech Mahindra shares today rose closer to their 52-week high after the company said that its board will meet on February 21 to consider a share buyback proposal. To consider a share buyback proposal. तो यहाँ पर to consider a share buyback proposal होगा. टू कंसिडर. कंसिडर नहीं होगा बिकॉज यहां पर कंसिडर्ड गलत होगा बिकॉज ये प्रेजेंट में है सेंटेंस. क्योंकि ये होने वाला है. प्रेजेंट में चल रहा है. टू कंसिडर अ शेयर बायबैक प्रपोजल. तो यहां पर ए आएगा. आंसर इज ए.
Question number 12, a share buyback proposed is a process through which a company purchases equity from its shareholders, usually at a price near to or higher than the prevailing market price. So higher, comparison ho raha hai, comparison mein then nahi aata, than aata hai. High than the prevailing market price nahi hoga, higher than the prevailing market price. So iska straight answer hai B. Answer agar hum dekhe to answer aayega iska B. In the absence of more productive manufacturing jobs, too many Indians continue to depend on agriculture for their livelihoods. Yahan par compare again ho raha hai, too many Indians, two nahi aayega, two aayega, kyunki jab hum compare karte hain aur hum bahut cheezon ki baat karte hain, ek tarah se hum comparison karte hain, to two nahi aata, isme double o wala two aata hai. Too many Indians continue to, iska aayega too many Indians continue to. C aayega iska answer. Answer is C. National rent is the rent that you are assumed to have earned under the Income Tax Act 1961, even you don't actually earn any rent on a property. Even if you don't actually earn any rent on a property. The 14 ka agar hum dekhe, even if you don't actually earn any rent on a property. तो यहां पर अगर हम देखें इफ आना चाहिए, इफ मिस हो रहा है इधर, क्योंकि इफ मिस हो रहा है इधर, इफ आना चाहिए था, क्योंकि आप एक कंडीशन बता रहे हैं इधर, यू आर स्टेटिंग अ कंडीशन, स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट है ये. तो कंडीशन स्टेटमेंट में हमें पता है कि जब हम एक सेंटेंस में कंडीशन स्टेट करते हैं तो हमेशा इफ या वेदर आता है. तो इवन इफ यू डोंट एक्चुअली अर्न एनी रेंट ऑन अ प्रॉपर्टी. Answer is D. A populous and demographically young country like India has a lot to gain if the expanding working age population can join the labor force and is provided with gainful employment. तो यहाँ पर अगर हम देखें इस question में bold part में कोई भी error नहीं है, तो इसका answer है E. Answer is तो ये था ऐसे हमारा डिस्कशन. अड्डा 247 की एक सीरीज, टेस्ट सीरीज चल रही है सुपर प्राइम, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. ये बैंकर इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए है, जो भी 2019 की जितने भी बैंकर इंश्योरेंस एग्जाम्स होंगे उसके लिए हमारी सीरीज चल रही है सुपर प्राइम. टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसमें ई बुक्स हैं और बुक्स हैं. आपको 100 प्लस टोटल टेस्ट मिलेंगे इसमें, 500 प्लस ई बुक्स भी मिलेंगी एंड 7 प्रिंटेड एडिशन बुक्स होंगी इसमें. तो प्लीज़ अवेल कीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये हमारे स्टोर पर एंड आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इस साल बहुत सारे एग्ज़ाम्स अगेन निकलेंगे, कैलेंडर भी आ चुका है IBPS का. तो बहुत हेल्पफुल होगा ये, आप एक ही बार इसको अवेल कीजिए और आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं सारे एग्जाम्स के लिए टेंशन फ्री होकर. और हमारी IBPS 2019 की भी सीरीज चल रही है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, जिसमें 270 प्लस टोटल टेस्ट सीरीज हैं. उसमें मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी हैं विद ई बुक्स. बायलिंगुअल है वो, तो आप प्लीज जाके उसको अवेल कीजिए. थैंक यू. तो गाइस ये था हमारा डिस्कशन फॉर डे 27. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस quantity aptitude quiz based on pie chart for IBPS 19 February 2019, days 27. Today's topic is pie chart. First DI is direction 1 to 5. The following pie chart shows the number of persons in degree who were awarded for their bravery and intelligence during critical condition in
the year 2017 in various states. Study the graph carefully to answer the following questions. Note, some data in pie chart are in degree and some are in absolute value. So एब्सोल्यूट वैल्यू डिग्री फॉर्म में पाई चार्ट है एंड केरला की जो नंबर है वो यहाँ पर ब्रेवरी इंटेलिजेंस के लिए जितने जो अवार्ड मिले हैं वो 103 है. सो ये 103 टोटल 360 डिग्री होता है. इन सबको हम ऐड करके 360 में सेपरेट कर देंगे तो हमें डिग्री के फॉर्म में केरला का हमें फाइंड हो जाएगा. सो 360 डिग्री माइनस टोटल 45.6 डिग्री प्लस 108.4 डिग्री प्लस 24.6 डिग्री प्लस 70.2 डिग्री प्लस 90.6 डिग्री. इन सबको ऐड किया तो 360 डिग्री माइनस 4 डिग्री टोटल और 360 डिग्री में से 339.4 डिग्री को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 20.6 डिग्री. यानी केरला जो डिग्री फॉर्म में 20.6 डिग्री इक्वल टू 103. यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो 5 टाइम्स जा रहा है 5 टाइम्स. सो 1 डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 5. सो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु वर अवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस इन द स्टेट यूपी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल टुगेदर. यूपी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल टुगेदर. सो महाराष्ट्र का 90.6 डिग्री प्लस यूपी 108.4 डिग्री एंड वेस्ट बंगाल इज 24.6 डिग्री. सो ऐड करने पर 6 3 2 2 3 टोटल यूपी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल का ब्रेवरी इंटेलिजेंस अवार्ड जो है वो 223.6 डिग्री 223.6 डिग्री बट हमें गिवन है डिग्री के फॉर्म में हमें आंसर गिवन नहीं है. सो 1 डिग्री इक्वल टू 5. सो 2236 डिग्री इंटू 5. तो यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एटीन एंड 118 बट यहाँ पॉइंट है. सो 118 हमारा आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. एक बेसिक मेथड भी इसका देख लेते हैं. जैसे कि पहले हम सबका डिग्री के फॉर्म में से हम चेंज वैल्यू हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में. यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 5. केरला 103 है. एमपी 45.6 डिग्री इंटू 5 तो ये हो जाएगा 228. एब्सोल्यूट डिग्री एब्सोल्यूट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं. यूपी 108.4 डिग्री इंटू 5 सो 542. वेस्ट बंगाल इज 24.6 इंटू 5 123 एंड हरियाणा 70.2 डिग्री इंटू 5 351 एंड महाराष्ट्र इक्वल टू 90.6 डिग्री इंटू 5 इक्वल टू
453। सो यहाँ से हमसे पूछा गया था यूपी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यूपी 542 एंड महाराष्ट्र 453 एंड वेस्ट बंगाल इज़ 123। यहाँ से ऐड करने पर 8 एंड 549 टू 11 एंड 549 10 एंड 11। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2, टोटल पर्सन्स हु वर अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस इन स्टेट हरियाणा एंड केरला टुगेदर आर व्हाट पर्सन मोर और लेस देन डेट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो हरियाणा एंड केरला एंड महाराष्ट्र। सो हरियाणा 351 एंड केरला 103। सो टोटल वैल्यू इज 454 एंड महाराष्ट्र इज 453। रिक्वायर्ड परसेंटेज हरियाणा एंड केरला टुगेदर इज व्हाट पर्सन मोर और लेस देन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कंपेयर किससे करना है हमें, महाराष्ट्र से। सो 453 एंड मोर और लेस देन, सो 454 माइनस 453 इंटू 100। सो 100/453% ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हु वर अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस इन स्टेट एमपी एंड वेस्ट बंगाल 2:1 and 1:2 मेल टू फीमेल। सो मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। देन टोटल फीमेल्स ऑफ एमपी आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल फीमेल्स ऑफ वेस्ट बंगाल हु आर अवॉर्डेड। सो टोटल पर्सन अवॉर्ड जो हुए थे एमपी में 2:8 एंड रेशियो ऑफ टोटल पर्सन 2:1। सो 3:2 एंड 1:2 यानी कि 76। सो 1:1 हमें गिवन है फीमेल का। सो ये 1:1 किसके हो जाएगा, फीमेल के, यानी टोटल फीमेल अवॉर्डेड इन एमपी इक्वल टू 76। नाउ अदर इज वेस्ट बंगाल, टोटल पर्सन अवॉर्डेड इन वेस्ट बंगाल इज 1:3 एंड टोटल रेशियो ऑफ वेस्ट बंगाल इज 1:2। सो 3:1:3 एंड 1:41 बट रेशियो ऑफ फीमेल इज 2। सो 2:82 टोटल फीमेल अवॉर्डेड इन वेस्ट बंगाल इज इक्वल टू 2:82 एंड टोटल फीमेल अवॉर्डेड इन एमपी इज 76। पूछा गया है व्हाट टोटल फीमेल्स ऑफ एमपी आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल फीमेल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज कंपेयर किया गया है वेस्ट बंगाल से। सो 82 माइनस 76। सो 82 माइनस 76 इक्वल टू 6/82 इंटू 100
टू से डिवाइड करते हैं, 3/41 इंटू 100, सो हमें अप्रॉक्सीमेट में आंसर चाहिए तो हम इसको लेट कर लेते हैं, 3/40 इंटू 100, सो अप्रॉक्सीमेट में इसको सॉल्व करते हैं तो 7.5% लेस आंसर आएगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज इन 82 एंड एमपी इन 76, सो एमपी का कम है, सो एल लेस, सो 7.5% लेस था अप्रॉक्सीमेट जो हमने 40 लेट किया था एंड हमारी वैल्यू एक्चुअल 41 थी, सो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो 7.3% लेस, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स हु वर अवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस इन स्टेट यूपी एमपी एंड केरला टुगेदर. सो यूपी प्लस एमपी एंड केरला एवरेज पूछा गया है, सो डिवाइडेड बाय 3. सो यूपी की वैल्यू 542, एमपी की वैल्यू 228 एंड केरला की वैल्यू 103. सो टू टू एट एंड 103 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ सो ऐड किया इसको, सो 13 एंड 1 कैरी 415, 5 to 7 एंड 5 to 7 एंड 8 73 बाय 3 डिवाइड करते हैं 291. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. हम यहाँ पे इसे एब्सोल्यूट वैल्यू से भी कर सकते हैं और अगर डिग्री से भी हम कर सकते हैं. डिग्री को हम पहले ऐड कर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, देन 1 डिग्री की वैल्यू में 5 पता है, सो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड रिजल्ट इज 291. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु वर अवार्डेड इन स्टेट एमपी महाराष्ट्र एंड हरियाणा. एमपी महाराष्ट्र एंड हरियाणा टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु वर अवार्डेड इन स्टेट्स यूपी केरला एंड वेस्ट बंगाल टुगेदर. यूपी केरला एंड वेस्ट बंगाल टुगेदर का डिफरेंस हमें डिफरेंस फाइंड करना है, सो डिफरेंस का साइन एंड महाराष्ट्र टोटल वैल्यू इज 228, सॉरी एमपी टोटल वैल्यू इज 228 एंड महाराष्ट्र इज 453 एंड हरियाणा इज 351. यूपी की टोटल वैल्यू 542 एंड केरला इज 103 एंड वेस्ट बंगाल इज 123. सो टोटल को ऐड करने पर 314 एंड 8412 1 कैरी 353 8 एंड 8513 1 कैरी 3437 7310 माइनस 336 एंड 28 426 एंड 516 एंड 7 सबट्रैक्ट करने पर 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 एंड 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 2 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2. सो टोटल नंबर इज 264. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. सेम हम इसको डिग्री के फॉर्म में भी हम पहले डिग्री में यहाँ पर लिख लेंगे एंड डिग्री से ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन जो फाइनल वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमारा आंसर 264 हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सेकेंड डी आई डायरेक्शन 6 to 10. द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट्स इन डिग्री एमंग चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ बाल भारती स्कूल. स्टडी द चार्ट केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नोट सम डाटा आर इन डिग्री वाइल सम डाटा आर इन एब्सोल्यूट वैल्यू इन द फॉलोइंग चार्ट.
यहाँ से एक लाइन मिसिंग है, तो उसको हम ये लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिमेनिंग आर इज द डिग्री फॉर्म. सो टोटल 360 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस डिग्रीज. सो 91.2 डिग्री प्लस 106.8 डिग्री प्लस 26.4 डिग्री एंड 43.2 डिग्री एंड 71.2 डिग्री. 360 डिग्री माइनस सबका सम 8 टू 10 एंड 14, 16, 18, सो 18.1 कैरी. सो 2, 8, 9, 6, 15 एंड 3, 18, 18 एंड 1 कैरी, 10, 9, 1, 10, 10, 17, 17 एंड 4, 21, 21 एंड 2, 23, 2 carry, so 2 and 1 is equal to 3. So 360 degree minus 338.8 degree. So subtract karne par 2, 21.2 degree. So class 6 degree form mein 21.2 degree. 21.2 degrees equal to 848. So 1 degree is equal to 4 times जा रहा है. So 41 degree is equal to 40. सभी क्लास का हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं. क्लास फर्स्ट, क्लास सिक्स का हमें गिवेन है. सो क्लास सिक्स का 848, क्लास फिफ्थ, क्लास फोर्थ, थर्ड, टू एंड वन, फिफ्थ 26.4 डिग्री इंटू 40, सो डैट इज 1056 एंड फोर्थ इज 43.2 डिग्री एंड 40, सो डैट इज 1728 एंड थर्ड 71.2 डिग्री इंटू 40, so 2848 and 91.2 degree into 40, 3648 and 106.8 degree into 40, so 4272. Now first question of this DI and question number 6, total number of chocolates distributed among class 5th students is what percent of total chocolate distributed among class 6 students approximately, class 5th and class 6th. So class 6th ka hame given hai 848 and class 5th ka find kiya hai 1056. So 1056 required percentage is equal to 5th 848, sorry, among class student is what percent of total chocolate distributed among class 6 students approximately. So class 5th 1056 upon 848 into 100, approximate mein hame answer chahiye. So 1056 upon 8.48. So yahan se isko solve karne par 125% answer aa jayega hamara. तो इसको सॉल्व कैसे किया, अप्रॉक्सीमेट में हमारा आंसर है. सो 1056 एक मेथड है इसका भी है 8.48, 8 से जब हम डिवाइड करेंगे सो ये चेंज हो जाएगा 132 में, एंड जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 1117 में चेंज हो जाएगा. 1132 एंड 1117 के बीच के डिफरेंस का आधा हम कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे. इनका डिफरेंस 15 एंड रिमेनिंग इज मतलब 15/2 इज 7.5. सो 1117
में से 7.5 ऐड कर दें या 132 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1117 एंड 7.5, सो 124.5, सो अप्रॉक्सीमेट में 125% इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास 1 बी 3:1 बॉयज एंड गर्ल्स एंड ईच स्टूडेंट्स गेट्स 2 चॉकलेट्स देन हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन क्लास 1 हु गॉट चॉकलेट्स. सो क्लास 1 में टोटल चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ था, 4:2, 7:2, सो एंड बोला गया 2 चॉकलेट्स, ईच स्टूडेंट्स गेट 2 चॉकलेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट हमें फाइंड हो जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 4:2, 7:2 by 2. डोंट बी कंफ्यूज, दिस डी आई इज सेज टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट. सो ये जो डिग्री, ये जो क्लास वन है, ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स का हमें डाटा गिवेन है. एंड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी बॉयज, यानी बॉयज स्टूडेंट्स का पूछ रहे हैं. सो ये डाटा हमें चॉकलेट्स का गिवेन है एंड हम स्टूडेंट्स का डाटा तब हम निकाल सकते हैं जब हमें 2 चॉकलेट्स ईच स्टूडेंट को मिल रही है, तो डिवाइडेड बाई 2. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट इज 2136. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड हो गया 2136. एंड इन क्वेश्चंस बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास फर्स्ट 3:1, बॉयज एंड गर्ल्स 3:1 में है. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रेशियो 4:4 = 2136. सो 1:2136/4. सो 1:534. हाउ मेनी बॉयज, हमें बॉयज का पूछा गया, बॉयज का रेशियो है 1. सो आंसर इज बॉयज का रेशियो 3 है. सो बॉयज इन क्लास, बॉयज इन क्लास फर्स्ट इक्वल टू 5:34 एंड रेशियो इज बॉयज का 3. सो 5:34 × 3 = 16:02 टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास फर्स्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास 2 एंड क्लास 3. एवरेज पूछा गया है क्लास 2 प्लस क्लास 3 डिवाइडेड बाय 2. सो क्लास 2 का डिग्री फॉर्म है 91.2 डिग्री एंड क्लास 3 71.2 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. ऐड करते हैं सो 2 2 2 4, सो 112 एंड 9 7 16 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द डिग्री फॉर्म एंड दिस इज द एब्सोल्यूट फॉर्म. सो वी कैन चेंज मल्टीप्लाइड बाई 40 बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 40. सो 162 × 4 डिवाइडेड बाई इंटू 4. 40 था, हमने यहाँ से इसको डेसीमल चेंज कर दिया यहाँ पे, तो डेसीमल हट गया. सो 4, सो 2 2 4, 1624 × 2, यहाँ से 248 एंड 2 2 4 2 6 12 एंड 1 3 3 2 4 8. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज टोटल चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 5 टुगेदर. क्लास 2 एंड क्लास 4 टुगेदर.
is what percent more or less than total number of chocolates distributed among students in class 6 and class 1st? Class 6 and class 1st. We compare karna hai class 6 and class 1st ka. So second class 91.2 degree and class 4th 43.2 degree. So total is 4 and 3 4 and 9 4 13, 134.4 degree. And 6th and 1st, 1st is 106.8 degree and 6th, 6th ka humne nikala tha upar data, 21.2 degree. So 21.2 degree, that is 8 to 10, 1 carry 6 7 8 and 2 1 to 8 degree. So required percentage is equal to 134.4 degree minus 1 to 8 degree upon 1 to 8. Compare karna hai hame 6 and 1st se, so 1 to 8 degree into 100. So 6.4 subtract karne par and 1 to 8 into 100. 6.4 20 times and 5 times. So required percentage is equal to 5%. 5% more, because 134 is 0.4 is greater than 128. So option number B is correct for question number 9th. Now next question is question number 10. Question number 10. What is the difference between total chocolates distributed among students of class 1st, 2nd and 6th together and total chocolates distributed among students of class 3rd, 4th and 5th together? 1st, 2nd and 6th and 3rd, 4th and 5th together. So first class 1st is 4272 and 2nd is 3648 and 6th is 848. Difference pucha gaya, so difference 3rd 2848, 4th 1728 and 5th 1056. So add karne par 8816 and 218, 1 carry 7 and 8, 84 12, 12 4 16 and 1 carry 3 6 3 9, 9 and 8 17 and 1 carry 4 1 5 5 3 8, so 8 7 6 8 minus 8 8 16, 16 and 6 22, 2 carry 2 4 6 7 8, 8 5 13, so 1 carry 8 1 9, 9 7 16, 16 and 1 carry 2 1 3 4 then 5. Subtracted, so 826 and 633, 761 and 853. So 3136 is the right answer for question number. Question 3136 is the right answer. Question number 10. Option number E is correct for question number 10. इसको हम डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं. डिग्री सभी डिग्री का सम कर लेंगे. And after sum, after sum subtracted between subtracted between these two sums, and the result is multiplied by 40 because 1 degree is equal to 40. So option number E 3136 for question number 10 is right. Next question is 11 to 15, the third EI of this quiz. Direction 11 to 15, the following pie chart
shows the distribution of passengers traveling from 5 different buses from Delhi to Shimla. Study the pie chart and answer the following questions. So total number of passenger is 2500. Eleventh question, find the average number of passengers traveling from SPS travelers, SR travelers and NITA travelers. SPS plus SRS and NITA travelers. Average then divided by 3. So NITA travelers is 25%, SRS 15%. And SPS is 20%. 20% and SRS is 15% and NITA is 25% divided by 3. Sum of this 25 plus 15, 40 and 60. Divided by 3, so 20%. So total number of passengers is 2500 and multiply by 20%. So 25 into 20 is 500. So option number C is correct for question number 11. Next question is question number 12. Question number 12. If male and female traveling from NITA travelers and SRS travelers are in the ratio 2:3 and 3:2 respectively, male and female, and this is male and female, then find the female passengers traveling from SRS travels and NITA travelers. So NITA travels, total number of passengers traveling from NITA travels and total number of passengers travel from SRS travelers. So NITA travels is 25% and SRS travelers is 15%. So 2500 ka 20% 25% and 2500 into SRS travelers is 15%. So 625 and 25 into 15 and 125, so 375. But question में हमसे पूछा गया है total number of female passengers in NITA travels and SR travelers, तो हम इसको ऐसे ना solve करके हम direct ही solve कर सकते हैं. NITA travels में 2:3 के form में है, so female 3:5 females in NITA travels and females in SRS travels and 2/5, so 25 into 15, this is 375, and 25 into 6, this is 150. So total number, then find female passengers total travels, so 5 and 7 5 2 and 5, total number of females travels in SRS travelers and NITA travelers is 5 to 5. So option number A is correct for question number 12. Now next question is question number 13. Find the central angle made by Sani travels in the given pie chart. Sani travels is 32%, but एंगल फाइंड करना है. एंगल 360 के फॉर्म में होता है, तो 360
डिग्री एंड परसेंटेज का डीआई हमें गिवेन है, सो डिवाइडेड बाय 100 इनटू डाटा हमें गिवेन है 3 3 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 6 इंटू 3 2 डिवाइडेड बाय 10, सो 36 इंटू 3 1080 एंड 36 इंटू 2 72, सो 1080 प्लस 72, सो 2 and 8 7 15 एंड 15 डिवाइडेड बाय 10, सो 115.2 डिग्री. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, पैसेंजर्स ट्रेवल्स फ्रॉम नीता ट्रेवल्स आर हाउ मच परसेंट मोर देन एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलर्स फ्रॉम SPS ट्रेवलर्स एंड नूर ट्रेवलर्स. सो नीता ट्रेवल्स एंड SPS ट्रेवल्स एंड नूर ट्रेवल्स का एवरेज. सो नीता ट्रेवल्स इज ट्वेंटी फाइव परसेंट दिस इज 625 एंड SPS एंड नूर SPS इज 20% एंड नूर इज 8%, सो 28% 28% डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 इंटू 25 14, सो 225 इंटू 14 250 प्लस 100 दिस इज 350. Required percentage SPS Travels and Noor Travels के together में compare करने में SPS Travels and Noor Travels का together, so 350 625 minus 350 into 100 625 minus 350 is equal to 275 divided by 350 into 100, so 57 and 52 multiply 275 into 2 by 7, so 275 into 2 is equal to 550 by 7 percentage. So 77 times 77 49 and 78 4.4 by 7 percentage. So option number B is correct for question number 14. Now next question is question number 15. Question number 15, if 25% of Saini Travels passengers would travel from Noor Travels in place of Saini Travels, then find the ratio of passengers traveling from Noor and Nita Travels together to SRS Travels and Saini Travels together. So Saini Travels is 32%, so 32% 25 into 30 75 and 50 total 800. But if 25% of Saini Travels would travel फ्रॉम न्यू ट्रेवल्स, मतलब कि 25 ट्रेवल्स वो न्यू ट्रेवल्स में चले जाते हैं, तो 800 का 25% इज 1/4, 200 पैसेंजर्स 200 पैसेंजर्स छोड़ देते हैं. सो passengers
in Sany Travels, 800 minus 200 is equal to 600, and in Nur Travels 2500, and Nur Travels ka percentage 8%, so 8% and 25 8 200, and ye 200 peoples jo the wo New Travels में आ जाते हैं. So new passenger in New Travels, is equal to 200 plus 200 is equal to 400. And Nita Travels, 2500, Nita Travels is 25% into 25% is equal to 625. And SRS Travels so 15%. अब required ratio that is find the ratio of passengers traveling from Nur and Nita. So Nur is 400 and Nita 625, and then Sany and SRS. Sany 375. Sorry, SRS is 375 and Sany is 600 plus 600. So 400 plus 625, 125 and 975. So 25 se divide karne par 41 upon 39. So required ratio is 41 upon 39. So option number D is correct for question number 15. This was the last question of this quiz. So thank you.